नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कन्या राशि के लिए कैसा रहने वाला है शनि का महापरिवर्तन। हाँ जी, जब बात आती है गोचर की, ग्रहों के परिवर्तन की, तो शनि का जो महत्व है वो सबसे ज़्यादा आप कह सकते हो। वैसे तो तीन ग्रह महत्वपूर्ण हैं, राहु, गुरु और शनि। इनमें से शनि जो हैं 29 अप्रैल को मकर से निकलकर कुंभ में जाएंगे और वहाँ पर ही रहने वाले हैं 12 जुलाई तक। ये परिवर्तन आपका होगा तो इसका आपके जीवन पर, आपके जीवन के कार्य क्षेत्र पर या जीवन के सारे ही क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, हम उस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ इनकी जो दृष्टियाँ हैं शनि की वो भी देखेंगे, ज्योतिष की नज़र से कर्म के आधार पर हम किन बातों का ख्याल रखें, इस बात पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं आपकी कुंडली पर। देखिए, आपकी कुंडली में जो शनि है वो एक बहुत ज़्यादा कारक ग्रह हैं, बहुत कारक ग्रह हैं। क्यों? क्योंकि वो पंचम भाव के स्वामी हैं और छठे भाव के स्वामी, और आपकी जो राशिश हैं, आपके जो लग्नेश हैं, जो बुध हैं, उसके मित्र हैं। तो एक अच्छा ग्रह आपके लिए शनि होता है कहीं ना कहीं। अब उसका जो गोचर है वो पंचम से छठे भाव में जा रहा है, तो बहुत सारे लोग तो ये सोचते हैं कि भाई छठा भाव तो उतना अच्छा है नहीं, पंचम भाव ज़्यादा अच्छा है, और कहीं ना कहीं ये पंचम में होना एक अच्छा योग भी है। अब पंचमेश छठे भाव में जा रहा है तो हाँ, कुछ नेगेटिविटी इसमें ज़रूर है, पर शनि का गोचर 3, 6, 10, 11 में, चाहे लग्न से हो या चंद्रमा से हो, दोनों से ही शुभ कहा गया है। तो ये परिवर्तन आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत सारे सॉल्यूशन भी लेकर आएगा, बहुत सारी अच्छी चीज़ें लेकर आएगा। क्या कर लेकर आएगा, इस पर हम आते हैं। छठे भाव का स्वामी छठे भाव में है, कुछ ऐसे चैलेंज आएंगे आपकी लाइफ में जिसके लिए आपको आलस से छोड़कर अपने कर्म पे लग जाना होगा। आप मेहनत करोगे, आप हार्डवर्क करोगे, आप कुछ नया सीखोगे। वो जो चीज़ें आएंगी वो थोड़ी टफ तो होंगी, हार्ड तो होंगी, पर वो आपके व्यक्तित्व को निखारेंगी, वो आपके जीवन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी ही लाएंगी। स्वास्थ्य का हल्का सा आपको ध्यान रखना होगा, हालांकि छठे भाव का स्वामी छठे भाव में आपको किसी पुराने रोग से ऊपर उठने की क्षमता देगा। बाय चांस कुछ होता भी है तो आप का जो इम्यून सिस्टम है वो काफ़ी अच्छी तरह से काम कर पाएगा। शनि छठे भाव में है तो रोग, ऋण, शत्रु पर आपकी विजय होगी। अगर आपने कोई ऋण ले रखा है तो उसके उतरने के चांसेस बनेंगे। शत्रुता, अगर आपकी कहीं कोर्ट केस वगैरह चल रहा है तो उसमें आपकी जीत का चांस यहाँ पर बनेगा। इसके साथ साथ शनि यहाँ पर छठे भाव में ये भी कहा गया कि लाइफ की जो उतार चढ़ाव है उनको थोड़ा सा रोक देते हैं, मतलब परिवर्तन आएंगे सिखाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। कोई बहुत बड़ा परिवर्तन ऐसा नहीं आएगा कुछ एकदम ऊपर नीचे वाला। हाँ, थोड़ा सा हार्डशिप जरूर रहेगी, हार्डवर्क जरूर रहेगा, मेहनत जरूर रहेगी। वैसे भी बिना मेहनत के कुछ पॉसिबल है भी नहीं, संसार कर्म प्रधान है। अब देखिए नेगेटिव क्या है इसमें, संतान का थोड़ा सा ख्याल रखना है, पढ़ाई लिखाई में थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगेगी, एफर्ट से ही रिजल्ट आएगा। अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं, जैसे कि डांसर हैं, आप म्यूजिक लिखते हैं, म्यूजिक क्रिएट करते हैं, आप ब्लॉगर हैं, तो थोड़ा सा हार्ड वर्क आएगा, थोड़ा कंपटीशन आपका बढ़ने वाला है। तो वैसे अच्छी न्यूज़ है, कंपटीशन बढ़ेगा तो बाउंड्री बढ़ेंगी, जिनको आपको तोड़ना है, जिनको आपको क्रॉस करना है, तो आप जपलप ज़्यादा होगे। दूसरी तरफ से लोग चाहते हैं कि सब इजी हो जाए, सब आसान हो जाए, तो उस तरह से ही आपका थोड़ा नेगेटिव भी कह सकते हैं, पर ये चीज़ ज़रूर है। संतान का थोड़ा ख्याल रखना है, संतान की हेल्थ का थोड़ा आपको ख्याल रखने की आवश्यकता है। अगर आप गर्भवती महिलाएँ तब भी आपको थोड़ा सा हल्का सा ध्यान आपको रखना होगा। संतान गोपाल मंत्र जो है उसको आप पढ़ सकते हैं। अब शनि की दृष्टियों की अगर हम बात करें तो शनि की दृष्टियाँ तीन होती हैं, तीसरी, सातवीं और दसवीं। तीसरी दृष्टि 1, 2, 3 आपके अष्टम भाव पर आएगी। शनि की तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पर, मंगल की राशि पर, जो कि उसका शत्रु ग्रह है। तो ये आपके सास ससुर के साथ, इन लॉज के साथ कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकता है, या इन लॉज की लाइफ में कुछ डिफरेंस आए, उनकी लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव आए, या फिर उनके साथ उतार चढ़ाव आए, इनमें से कोई भी एक सिचुएशन बन सकती है। ये भाव आपके पति पत्नी की वाणी का भी है,
तो उनकी जो वाणी है वो थोड़ी कटु रह सकती है, या डिफरेंस आप कह सकते हो समझने में कुछ अंतर आ सकता है आपके और आपके पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका के बीच। तो एक दूसरे को समझें पहले, उनकी जो बात है उसको पूरी तरह से सुन लें, फिर जिस तरह से अपने आप को आप डील करते हैं उसी तरह से उनको भी डील करें। मतलब कि जैसे आप अपनी गलतियां नॉर्मली माफ़ कर देते तो दूसरों की गलतियां भी माफ़ करना सीखें, उनको भी सेम रेस्पेक्ट सेम आदर दें, तो फिर आपकी जो परिवार वाली जो प्रॉब्लम है उसमें कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक आपको सफलता मिलेगी, आप उस चीज़ को ज़्यादा अच्छी तरह से ले कर चल पाओगे। यही बात इन लॉस के साथ भी आप रख सकते हो, सास ससुर के साथ। ये भाव जो इनहेरिटेंस वगैरह मिलती है उसका भी है, तो इनहेरिटेंस वगैरह मिलने का चांस तो उसमें है, पर थोड़ा सा दिक्कत के साथ, थोड़ा सा दिक्कत उसमें आ सकती है फैमिली में, तो वहाँ पर थोड़ा आपको बैलेंस बना के रखना होगा। शनि की सीधी दृष्टि बारे में भाव पर है, तो विदेश जाना, विदेश यात्रा, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, विदेश से लाभ, कहीं ना कहीं मल्टीनेशनल कंपनी से आपका कुछ ऑफर आना, कुछ ना कुछ विदेश से यहाँ पे जोड़ने को दिखा रहा है। पर बात यह है कि ये सब होगा कब, तभी हो पाएगा जब जन्मपत्री में भी ऐसा हो, क्योंकि कुंडली जो गोचर है ना और जो जन्मपत्री है वो अलग चीज़ें हैं। प्रारब्ध तो आपका जन्मपत्री में ही होता है, गोचर बस ये बताता है कि ये होने वाला है, ये आपके साथ होगा या नहीं होगा ये जन्मपत्री बताती है, और गोचर जो है वो सभी के लिए होता है, आपके साथ होगा या नहीं ये जन्मपत्री बताती है। तो ये आ गया बारे में भाव पर दृष्टि। बारे में भाव पर दृष्टि ये भी दिखाती है कि थोड़ा खर्चा बढ़ने वाला है, कुछ एक्सपेंडिचर आ सकता है, कुछ पैसों का खर्च आ सकता है ऐसी चीज़ पर जो आपने नहीं सोचा। कई बार बारे में भाव पर शनि की दृष्टि आपको हॉलीडेज ले जा सकती है, बाहर ले जा सकती है, विदेश आदि घूमने का प्लानिंग आपकी बन सकती है। जरूरी नहीं है कि सब लोग फॉरेन ही जाएं, कुछ लोग इंडिया में भी भाई जैसे कुल्लू मनाली चले गए, देहरादून चले गए, अभी समर का मौसम है, या कुछ इस तरह का चेंज ऑफ प्लेस होने का चांसेस यहाँ पर दिखता है। शनि की बारे में भाव पर जो दृष्टि है स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म के लिए भी ठीक है, पर अगर बात आती है मैरिज की, रिलेशनशिप की, प्रेमी प्रेम का उनके बीच की, तो वहाँ थोड़ा सा ड्राइनेस रहेगी, वो आपको उस चीज़ का आपको ख्याल रखने की आवश्यकता रहेगी। शनि की दसवीं दृष्टि आपके तृतीय भाव पर वृश्चिक राशि में रहेगी। तृतीय भाव पर शनि की दृष्टि को कहीं ना कहीं शुभ माना गया है। शुभ इसलिए माना गया कि व्यक्ति प्रयास करता है, हार्डवर्क करता है, मेहनत करता है, ट्राई करता है। अब जब ट्राई करोगे तो चीज़ें होंगी ही, हाँ वो बात अलग है क्योंकि शनि की दृष्टि है, 10 चीज़ें ट्राई करूंगी तो 2-4 ही होंगी, पर ट्राई करेगा व्यक्ति, कुछ सीखेगा, कुछ जानेगा, तो उसका उपयोग उसकी लाइफ में होना निश्चित है, आज नहीं तो कल। तो ये वाली बात है यहाँ पर शनि की दृष्टि तृतीय भाव पर। कभी कभी आपके रिलेशन जो हैं उसमें थोड़ा सा दूरी ला सकती है, किसके साथ, छोटे भाई बहनों के साथ, पड़ोसियों के साथ, वहाँ थोड़ा आपको ध्यान रखना है। आपका अगर कोई पड़ोसी है जो भी है तो उनके साथ रिश्तों को बना के रखने की कोशिश करें और ध्यान रखें पहले से कि भाई यहाँ थोड़ा दिक्कत आ सकती है, तो उससे आपको हेल्प जरूर मिलेगी। अब थोड़ा रेमेडी की तरफ बढ़ जाते हैं। देखिए, एक है कार्मिक रेमेडी, कर्म की रेमेडी, दूसरी है ज्योतिषी रेमेडी। कर्म की रेमेडी पहले आती है, शनि कर्मा को दिखाते हैं, शनि समय को दिखाते हैं। तो पहले तो हार्ड वर्क, मेहनत, प्लानिंग चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और काल का मतलब होता है समय, समय से ही जुड़ी हैं ये सारी चीज़ें, प्लानिंग हो, टाइम टेबल हो, समय वेस्ट करना ना हो, आलस्य को छोड़ना हो, कर्मठता हो, ये सब समय समय से जुड़ी हुई चीज़ें, क्योंकि शनि समय से जुड़े हैं। दूसरा शनि कर्म है, अपने कर्म को अच्छे रखना, अपने कर्मों का जो उद्देश्य है वो आपका अच्छा होना चाहिए। काफ़ी हद तक उद्देश्य डिसाइड करता है कि वो कर्म अच्छा है या नहीं है, क्योंकि एक सैनिक अपने देश के लिए लड़ता है तो उसका जो उद्देश्य है वो बहुत हद तक इम्पोर्टेंट है। भावना कैसी है, जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त उसको उसी तरह की दिखाई देती है। ये कर्म पर भी डिपेंड है कि आप किस भाव के साथ कर्म को कर रहे हैं। जैसे कि एक आदमी एक्सरसाइज कर रहा है, हेल्थ बना रहा है अपनी, अच्छा है, कोई नहीं, अपने सेल्फ ओरिएंटेड कर्म है, कोई बुरी बात नहीं है। वहीं दूसरा व्यक्ति भी एक्सरसाइज कर रहा है, उसका शायद कुछ मोटिव है कि भाई हमको किसी से बदला लेना है, कुछ इस तरह का, तो कर्म तो एक ही है। तीसरा है वो, उसका शायद मोटिव ये हो कि दूसरों की हेल्प करनी है, परिवार की हेल्प करनी है, तीनों एक ही काम को कर रहे हैं, पर तीनों का जो उसके पीछे की भावना है वो अलग अलग है, और यहाँ से कर्म का रिजल्ट
और कर्म अच्छे बुरे की जो कह सकते हैं वो डिफरेंस आ जाता, तो आपकी भावनाएं अच्छी होनी चाहिए क्योंकि शनि कर्मा को दिखाते हैं आपके। शनि इसके साथ साथ अगर हम कार्मिक रेमेडी की बात करें, ज्योतिषी मिक्सी हो जाएगा यहाँ पर, जो वृद्ध वृद्ध लोग हैं, ओल्ड पीपल हैं, ओल्ड एज होम है वहाँ पर हेल्प करना। अपंग लोग हैं जो किसी की आँख नहीं है, कान नहीं है, नाक नहीं है, कुछ भी पैर में कोई दिक्कत है, लंगड़ा के चल रहा है, उस तरह के जो लोग हैं, शारीरिक रूप से विकलांग हैं, उनकी हेल्प करना। अस्पताल है, हॉस्पिटल है आपका, और आपका शमशान है, यहाँ पर कोई हेल्प करना शनि के लिए आता। सफाई कर्मचारी जहाँ गंदगी होती है वहाँ पर जो लोग काम करते हैं उनकी कोई हेल्प करना, किसी भी तरह की आप फिजिकल हेल्प करो, आप उनकी कोई सलाह दे दो उनको कोई अच्छी, अगर आपके पास पॉसिबिलिटी है तो वो भी हेल्प है। पैसे से चाहो तो पैसे से हेल्प करो, डिपेंड अपॉन आप कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा शनि की जो ज्योतिषी रेमेडी हैं उनमें आपके लिए मैं ये कहूँगा, बहुत ज़्यादा काली चीज़ों का दान ये सब बहुत ज़्यादा नहीं है, आपको काली इन चीज़ों की सेवा करनी है जो शनि से जुड़ी हैं, जैसे कि पीपल के पेड़ की पूजा आप कर सकते हैं, गरीब लोगों की सेवा आप कर सकते हैं, और जो लोग हॉस्पिटल आदि में उनकी हेल्प कर सकते हैं। आपकी कुंडली के लिए जैसे काली चीज़, काली दाल, काला तिल और सरसों का तेल, इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा दान बहुत बढ़िया नहीं कह सकते, क्योंकि आपकी कुंडली के वो एक कारक ग्रह हैं। कारक ग्रह का ऐसा नहीं दान कर दिया तो एकदम किस्मत खराब हो गई, वो सब बेवकूफ़ी है, पर हाँ बहुत ज़्यादा दान नहीं करना चाहिए। इसके अलावा माँ काली की पूजा, क्योंकि माँ काली काल को नियंत्रण करती है, महाकाल की पूजा मतलब भोलेनाथ शिव की पूजा, माँ काली के लिए ओम क्रीम कालिकाय नमः आप कर सकते हैं, 108 बार आप कम से कम करना चाहिए। भोलेनाथ के लिए ओम नमः शिवाय और कोई भी शिव मंत्र आप ले सकते हैं, और बजरंग बली हनुमान की पूजा भी शनि के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पीपल की जो है वो भी हम शनि के लिए करते हैं। एक बात और, भगवान श्री कृष्ण का जो है वो भी पूजा शनि के लिए की जाती है। तो ये हमारी पूजाएं भी होगी, ज्योतिषी रेमेडी होगी, किन चीज़ों का ख्याल रखना है, ध्यान रखना है, वो भी हमने देख लिया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, बढ़िया लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। ये जो हमारा गोचर का जो रिजल्ट है ये आपका 29 अप्रैल से लेकर 12 जुलाई तक एक जर्नल है, बाकी जो रियली में हो वो आपके प्रारब्ध में जो जन्म कुंडली में होता है। खैर, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। आपका जो सहयोग है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर आदि का, तो प्लीज़ लाइक, प्लीज़ फॉलो। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।